एक तरफ जहां शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा देने की बात हो रही है, वहीं कवर्धा जिले के भुरभुसपानी गांव का प्राथमिक शाला 1997 में संचालित है मगर स्कूल भवन नहीं है। हाँ गुड्डू, प्रधान पाठक घर एक ठन कमरा में बैठो पाँचवीं क्लास तक पहली से, तो आप मन दिक्कत होती गुड्डू? हाँ भारी दिक्कत होती दीदी। हाँ तो कौन सा पद में हो? अध्यक्ष पालक शिक्षा समिति के। हाँ पालक। तो हर महीना आप मन पालक शिक्षा समिति के बैठक बैठो? हाँ बैठन दीदी बैठ। का बातचीत करते हैं? भाई पढ़ाई लिखाई करवाओ लड़का मन लाई तो चर्चा करते हैं करेला। हाँ स्कूल भवन नहीं है और प्रधान पाठक कक्षा में बच्चा मन पढ़ाते हैं, तो आप माला का दिक्कत है? मतलब अब पहली लेकर से पांचवी तक रहते हैं हमारे दीदी, तो अब उन्होंने मतलब कहे जाए बेगा भाषा में हमासु भी नहीं आ रहे रहते दो जन गुरु जी जरूर। हाँ, हमासु मतलब एक ही जगह बैठे हैं तो पाँच लोग पाँचों क्लास के मन है तो पढ़ाई डिस्टर्ब है। सर यहाँ स्कूल कब से संचालित है? यहाँ 1997 से संचालित है। और स्कूल भवन कब से नहीं है? ये स्कूल भवन तो शुरू से नहीं है, जब से सारा संचालित हुआ है तब से नहीं है। एक प्रधान पाठक कक्ष है, एक ही कमरा है, इसी में पांचों क्लास को पढ़ाते हैं। बच्चों का उपस्थिति कितना है? दर्ज संख्या 42। बहुत दिक्कत होती है एक साथ पांचों क्लास को पढ़ाने से, पठन क्रिया में बहुत परेशानी होती है। सर स्कूल की मांग के लिए कुछ आप एप्लीकेशन वगैरह या अधिकारियों को या पंचायत में जानकारी दिए हो? हाँ दिए हैं ना, पहले जो ग्राम स्वराज होता था ना अप्रैल में उसमें भी हर साल दिए हैं। तो क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? हो जाएगा करके बोलते हैं लेकिन अभी तक बना नहीं है। और आप मन के गांव में स्कूल में शिक्षक मन आते हैं डेली पढ़ावा? आते हैं आए लोग। और भोजन ठीक से खिलाते हैं? हाँ खिलाते हैं, दाल सब्जी तो खवाते हैं। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कवर्धा जिले के कलेक्टर श्री अभिषेक ठाकुर जी को 77 41 23 21 34 इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाइए। मैं दीना गणवीर, ग्राम भुरभुसपानी, ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।